नमस्कार, मैं किसान का बेटा काना धनगर और आप देख रहे हैं अपना आपका चैनल काना सर ऑफिशियल। आइए आज हम बात करते हैं संजय बघेल जी से। तो बघेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार। मैं संजय सिंह बघेल, पूर्व पार्षद और महामंत्री मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर समारोह समिति आगरा। बघेल साहब, राजनीति की ओर अग्रसर होने का आपका मोटिव क्या था और क्या परिस्थिति रही कि आपको राजनीति में आना पड़ा? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सन 94 से मैं जिनके सानिध्य में मैं रहा, जिनके मुझे थोड़ा सौभाग्य मिला, स्वर्गीय डॉक्टर मेरे गुरु स्वर्गीय डॉक्टर हरवीर सिंह बघेल जी, तो जब उनके मैं संपर्क में आया और उन्होंने उनकी जो नीति हैं उन नीतियों से मैं जब प्रभावित हुआ, उनकी विचारधारा से जब प्रभावित हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आगे चल के यदि राजनीति में आता हूँ तो मैं समाज के साथ साथ उन वर्गों का भी भला कर सकता हूँ, उन वर्गों के बारे में सोच सकता हूँ जो वर्ग पिछड़े हुए हैं, जो बेरोजगार हैं, जो दलित हैं, जिनका शोषण होता है। आपके राजनीति में आप अपना गुरु किसे मानते हो? मैं राजनीति में मेरे गुरु वही स्वर्गीय डॉक्टर हरवीर सिंह बघेल जी हैं। क्या उनमें लगा, क्या सभी नेताओं में अलग देखने को मिला डॉक्टर हरवीर सिंह बघेल जी में, जो आप उनको अपना गुरु मानते हो? देखिए, देखने को सबकी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, सब अपनी राजनीति अपनी अपनी विचारधारा से करते हैं, मगर मेरा मानना यह है कि उनके साथ उनकी जो राजनीति करने का जो तरीका था वो एक उच्च वर्ग था, उस मानसिकता से हट कहता। उनके सामने सबसे पहली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति का किसी का भी हो, मगर सबसे पहले उनको उसको सम्मान देने का काम करना था, फिर उसकी बात सुनने का काम था। उनके अंदर ये भावना मेरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करी कि लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का, यदि उसके उनके सामने मदद मांगने के लिए आया या उनके पास बात पहुँचाने के लिए आया, तो उनकी बात को सुनना और उसका समाधान करना। अभी वर्तमान समय में आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अभी देखने को मिला था लॉकडाउन की स्थिति में पुलिस प्रशासन से आपका थोड़ा वार्ता हो गया था, तो क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन के ऊपर जिस प्रकार से आपकी थोड़ा अनबनसी हुई थी? नहीं, देखिए, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा था। लॉकडाउन में जो कोरोना COVID-19 की वजह से जो लॉकडाउन लगा गया था, उसमें पुलिस प्रशासन हर व्यक्ति के साथ खड़ा हुआ था। ऐसा नहीं है कि सारी पुलिस प्रशासन की गलती रही हो, मगर उसमें सबसे बड़ी बात ये थी, मेरा मानना ये था कि जो घटना हुई उस घटना में जो दोषी है वो 1 से 4 या 5 व्यक्ति थे, उनको दोषित ठहराया जाता है या उनको दंडित किया जाता, मगर उसमें 5 लोगों से अधिक संख्या को उसमें जोड़ा गया। बाद में ऐसे भी लोग थे जो दूर दूर तक उस घटना से उनका वास्ता नहीं था, इसलिए मैं प्रशासन को अवगत कराने के लिए कई बार उनसे मिला, जब मेरी बात नहीं सुनी गई तब फिर मैंने उस तरीके से जाके बात की। बघेल साहब, अगर बात की जाए आपके समाज की, तो आपके समाज में गर्मा गर्मी रहती है धनगर मुद्दे को लेकर, लगातार धनगर मुद्दे को लेकर वार्ता होती है, तो आपके क्या विचार हैं धनगर मुद्दे को लेकर? आप किस तरीके से अपने समाज में धनगर मुद्दे को लेकर चर्चा करते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। धनगर मुद्दा, देखिए, धनगर मुद्दा हमारा अधिकार है और अधिकार को पाने के लिए, अधिकार को मांगने के लिए हम नहीं समझते हैं कि किस कोई परहेज होना चाहिए, और जो हमारा अधिकार संविधान के अनुसार हमें जो दिया गया है वो हमें मिलना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि धनगर मुद्दे को राजनीतिकरण कर दिया गया है। कुछ लोगों ने अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, व्यक्तिगत कुछ लोगों ने अपने तक सीमित रखा है। मैं ये समझता हूँ कि शायद तक आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ही वो पार्टी है जिसने धनगर मुद्दे पे सबसे पहले प्रमाण पत्र निर्गत कराने का काम किया था। पिछले 2017 से लेके अब तक जिसकी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसने एक भी प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, जिससे ये बिल्कुल दर्शाता है कि इन जो फिलहाल की जो सरकार है उसकी जो मानसिकता है वो धनगर मुद्दे पे धनगरों के साथ में नहीं है। फिर भी अगर देखा जाए तो वर्तमान सरकार लगातार धनगरों को टिकट दे रही है,
तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उधर धनगर को उनका विधायक चाहिए लेकिन धनगर सर्टिफिकेट नहीं बनाते। नहीं तो इससे आपको ये पता चल रहा होगा उनकी मानसिकता कैसी है। वो एक व्यक्ति विशेष को मतलब जोड़ के पूरे उत्तर प्रदेश के धनगर समाज को अपने प्रति जोड़ना चाहते हैं, मगर अब धनगर समाज भी जागृत हो गया है। अब वो किसी के बहकावे में नहीं आएगा, अब वो जागृत हो चुका है। आपने लगातार धनगर मुद्दे को लेकर धरने प्रदर्शन किए हैं और आप अहिल्याबाई होलकर नाम से एक संस्था भी चलाते हैं, उनकी जयंती भी निकालते हैं, तो क्या लगता है कि धनगर मुद्दे पर ये लोग राजनीति करते हैं या फिर धनगर मुद्दे पर जमीनी स्तर पर काम भी किया जाएगा? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, जो वास्तव में ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ियों को जो हमारा लाभ था, हम ये मांग नहीं रहे, जो हमारा अधिकार था हम उसको मांग रहे हैं, हम किसी से छीन नहीं रहे। यदि हम उस अधिकार की बात करें जो हमें मिलना चाहिए, तो मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो भी चाहते हैं वो एकजुट होके, क्योंकि राजनीति को एक तरफ रख देना चाहिए और धनगर मुद्दे को एक तरफ। यदि इस सोच विचारधारा से सारे नेताओं से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि धनगर मुद्दे पे सबको एक होके एकजुट होके एक आंदोलन करना चाहिए। अभी जो लगातार चुनाव का माहौल है, ग्राम पंचायत स्तर पर भी चुनाव होनी है जी, तो क्या तैयारियां हैं आपकी और 2022 का क्या टारगेट और क्या लक्ष्य है आपका? देखिए, ग्राम पंचायत जो चुनाव हो रहे हैं, अपनी पार्टी की तरफ से जो प्रक्रिया चल रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि बखूबी हमारे जो पार्टी के मुखिया जी द्वारा जो निर्देश जारी हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा जो निर्देश जारी हुए हैं, उस पर पार्टी काम कर रही है। और हम लोगों का जो मोटिव यही है कि अधिक से अधिक लोग, अच्छे लोग चुन के आएँ, जिससे कि आगे की 2022 की जो राजनीति है वो सही हो। क्या लग रहा है कि 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बना पाएगी उत्तर प्रदेश में? नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में सभी लोग इस बात को पहचान चुके हैं कि सभी लोग परेशान हैं। लॉकडाउन के समय में जिन लोगों ने पीड़ा जो सही है वो असहनीय रही, लोगों रोज़गार के लिए जो बाहर गए, बाहर से जो आए, लौट के आए, उनको पैदल चलना पड़ा, बहुत ज़्यादा उनको पीड़ा प्रतीत हुई। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि रोज़गार का जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा आज विचार करने योग्य है। व्यापारी से लेके मजदूर से लेके सभी लोग परेशान हैं। इस सरकार ने ऐसी कुछ नीतियाँ लगा दी हैं जो मज़दूर वर्ग जो अपने अधिकार को थोड़ा बहुत मतलब रख सकता था कमेटी के सामने, कारखाने कमेटी के सामने, आज उनको भी मजदूर यूनियन के तहत उनको भी समाप्त कर दिया गया। अगर नेताजी देखा जाए तो बिहार चुनाव को ले लीजिए या उत्तर प्रदेश का उपचुनाव ले लीजिए, लॉकडाउन रहा देश में, लोग परेशान रहे आपने कहा, लेकिन उसकी यहाँ पर कोई रुझान देखने को नहीं मिला, फिर भी बीजेपी ने बाजी मार ली। नहीं देखिए, उसके यदि आप बिहार की बात करें या यूपी के उपचुनाव की बात करें, तो ये बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि ईवीएम का मैं समझता हूँ कि ईवीएम इसमें कहीं न कहीं कुछ है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे पॉइंट भी सामने आए हैं जिससे ये दर्शाता है कि हाँ, ईवीएम में छेड़खानी की जा सकती है, क्योंकि उसमें कोडिंग का मामला होता है। आम आदमी इस कोडिंग की भाषा को नहीं समझ सकता, जो समझ सकता है वो शिक्षा का स्तर बड़ा होता है, इसलिए आम आदमी को समझाना या आम आदमी को पहचान होना उस वोटिंग मशीन की, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ बिहार के चुनाव की बात करें, 20 सीटों पे रिजल्ट घोषित हो चुका था और उनको प्रमाण पत्र नहीं दिए गए, तो उससे ये दर्शाता है कि वहाँ उनकी मानसिकता ऐसी थी कि वो नहीं चाहते थे कि रोज़गार के मुद्दे पे, मूल अधिकारों के मुद्दे पे जो भी चुनाव लड़े या जो भी आए उनको उनका अधिकार दिया जाए। लेकिन जो बाकी सीटें लगातार, जैसे अभी उपचुनाव हुए 7 सीटों पर, जिसमें 6 भाजपा ने जीती, 1 समाजवादी पार्टी ने जीती, तो ईवीएम 6 में सेट किया गया था, मतलब एक तो समाजवादी पार्टी ने जीती, उसके बाद में राजस्थान को ले लीजिए, मध्य प्रदेश को ले लीजिए और भी 3-4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। नहीं देखिए, मैं आपको बता दूँ, कुछ सीटों पे तो प्रशासन हावी रहा, कुछ सीटों पे ये कहने का मतलब है कि अब उपचुनाव, आप टूंडला की बात करें तो उपचुनाव टूंडला पे प्रशासन की ओर से, मौजूदा वहाँ के राजनीतिक लोगों से, वहाँ के ग्राम पंचायत के प्रधानों को, डीलरों को, उनको सीधे धमकाया गया,
उन पे प्रभाव प्रेशर डाला गया और उनसे वोटिंग जो है ना चाहते हुए भी दूसरे पक्ष में वोटिंग कराई गई। क्या लगता है आपको ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए बैलेट पेपर से। आप ईवीएम की पक्ष में हैं या बैलेट पेपर की पक्ष में? बैलेट पेपर की पक्ष में जी। 2022 को लेकर क्या टारगेट है आपका समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनाने में कामयाब रहेगी? 2022 के लिए निश्चित ही हम लोगों ने बड़े स्तर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो निर्देश दिया है उस पर हम काम करने का काम कर रहे हैं। लोगों से मिल के एक ऐसी रणनीति तैयार की जा रही है कि निश्चित रूप से हम 2022 में सफलता प्राप्त हो। अगर वर्तमान समय में देखा जाए आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर आगामी समय में अगर आपको पार्टी विधायक का प्रत्याशी घोषित करती है तो क्या लक्ष्य रहेगा आपका आपके क्षेत्र के लिए और क्या विकास के एजेंडा रहेंगे आपके? देखिए, यदि पार्टी मुझे नेतृत्व करने का मौका देती है तो निश्चित रूप से मैं लोगों के बीच में जाके उन समस्याओं को देखूंगा जो समस्याएं उनकी मूलभूत समस्या हैं, उन समस्याओं का निराकरण करना ही मेरा सबसे पहला कर्तव्य होगा। अगर देखा जाए वर्तमान में पानी की समस्या और बिजली की समस्या सबसे गंभीर है जी। अगर अगर रजवा को देखा जाए तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब रजवा चलते थे, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में कोई भी रजवाई में पानी नहीं है। आप बरहन श्यामपुर रजवा को ले लीजिए, वहाँ पर बरसों से पानी नहीं है। तो जल पर और विद्युत पर आपकी कैसी पकड़ रहेगी? देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आज की सरकार से जनमानस पूरी तरह से परेशान है, चाहे वो किसान मजदूर कोई भी व्यक्ति हो। तो ये समस्या सिर्फ इनके जो कागज़ों में उनका निराकरण किया जाता है, पटल पे नहीं होता। आज जो समस्याएं लोगों के बीच में आ रही हैं कि सब हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, हम पानी हमारी नहरों में बम्बों में आ रहा है, ये बिल्कुल निराधार, ये गलत है, क्योंकि दूर दूर तक उनका वास्ता नहीं है। जब आपके माध्यम से किसी मीडिया के माध्यम से यदि कोई बात उठाई जाती है तो उसका जवाब सिर्फ वो लोग उनके प्रतिनिधि घर में बैठ के देते हैं, ना कि मौके पर जाके उनकी समस्याओं को देखा जाता है। आजकल देखा जाए तो युवा रीढ़ की हड्डी माना जाता है देश की जी। तो हम जानना चाहते हैं युवाओं को लेकर आपकी क्या सोच है और युवाओं को आप किस नज़रिए से देखते हैं और युवाओं को राजनीति में आना चाहिए या ना नहीं आना चाहिए, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, युवा किसी देश की वो रीढ़ की हड्डी है। जैसे कि मैं ये समझता हूँ कि युवा सोच ही आज देश को आगे आगे बढ़ाने का काम करेगी, और मैं ये समझता हूँ कि युवाओं के ये दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि आज हम यदि उस विचारधारा से हट के यदि हम काम करते हैं, उस विचारधारा से हट के हम लोगों से जुड़ते हैं तो शायद है कि हम सफल हो पाएंगे। तो लोगों की विचारधारा काफ़ी प्रभावित हुई है। नेताजी, अगर अभी की बात की जाए तो देश में लॉकडाउन की स्थिति रही तो वहीं सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की कि जो विद्यार्थी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं कर पा रहे उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा की गई। क्या लगता है एक गरीब किसान के पास में खाना खाने के लिए अनाज नहीं होता, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं होती, वो अपने बच्चों को स्मार्टफोन दिलवा के कैसे पढ़ाएंगे? तो उन बच्चों की फीस माफ़ होनी चाहिए जो किसान परिवार से आते हैं, जो मध्यम गरीब असहाय मजदूरों के वर्ग से आते हैं। क्या लगता है ऐसे परिवार के बच्चों की स्कूल की फीस जो कोरोना काल चला इसके मध्य की माफ होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक किसान के लिए 10 से 12 हज़ार रुपये की व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि किसान पूरे वर्ष काम करता है और एक वर्ष बाद जब उसको फसल प्राप्त होती है तो उस फसल को बेच कर ही अपने परिवार की आगे की स्थिति को सुधारने का काम करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बीच में यदि ये लॉकडाउन हुआ, फसल के बाद में हुआ, और ऐसी व्यवस्था करने के लिए ऑनलाइन सुविधा के लिए मोबाइल खरीदना भी पड़ा, तो किसी से कर्ज लेगा या किसी से पैसा लेगा, तो ऐसी स्थिति में मैं ये समझता हूँ कि फीस सरकार को माफ़ करनी चाहिए। नेताजी, अंतिम हमारा सवाल है, जो देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया बंधुओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मीडिया बंधु, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी कि मीडिया ही एक ऐसी ऐसा रास्ता है एक जनता से सरकार के बीच का जोड़ने का, जो सरकार को ये अवगत कराता है, जनता की आवाज़ को पहुँचाने का काम करता है। आपके माध्यम से ये आवाज़ पहुँचती है कि
वास्तव में जनता को क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, क्या समस्या है और सरकार उसका समाधान कैसे करे और क्यों ना करे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी हमसे बात करने के लिए। तो नमस्कार साथियों, हमारे साथ मौजूद थे पूर्व पार्षद संजय बघेल जी, जिन्होंने बताया लगातार युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर और जवानों को लेकर, तो वहीं लॉकडाउन के बीच में जो परिस्थिति रही किसानों की और मध्यम परिवारों की, उनको लेकर हमने विस्तार से वार्ता की। तो वहीं उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को लेकर बताया, उन्होंने बताया कि राजनीति में आने का क्या मकसद था और राजनीति के गुरु उनके कौन थे। और वहीं उनके समाज में बहुत ही गर्मा गर्म माहौल बना हुआ धनगर मुद्दे को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। तो साथियों, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज ही अपने YouTube चैनल पर जाएं और सर्च करें काना सर ऑफिशियल YouTube चैनल, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय जवान, जय किसान।